दोस्तों महिंद्रा ने अभी हमारी जो बुलेरो की नई पिकअप रेंज निकाली है उसके अंदर दो वेरिएंट्स निकाल दिए, एक एचडी निकाला है, एक सिटी निकाला है। ये दोनों बुलेरो मैक्स पिकअप ही है, मतलब मैक्स केबिन के साथ में आएंगी, बट दो अलग अलग रेंजेस हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। एक तो हैवी ड्यूटी रेंज निकाली है, एचडी निकाला है जिसमें 2 टन तक की गाड़ी आती है। एक जो मेरे पीछे आप खड़ी देख रहे हैं सिटी रेंज निकाली है जिसमें आपको 1.3, 1.5 और 1.7 मिल जाएगा। तो आज हमारे पास में सिटी 1.5 है आईमैक्स टेलीमेटिक्स के साथ में और एकदम नई गाड़ी है जो BS6 2 इमिशन नॉर्म्स को फॉलो करती है। और क्या डाला आता है, क्या कुछ कंपनी ने बदला है, क्यों ये सिटी पिकअप में क्या कुछ नया डाल के इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, क्या कुछ बदलाव किए, सब कुछ आपको बताएंगे। और ख़रीदने के लिए आपको कौन सी गाड़ी बढ़िया है, मतलब एचडी रेंज से लेना है या सिटी रेंज से लेना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। गाड़ी को चला के, आप गाड़ी के चारों तरफ घूम के, केबिन के बारे में, कीमत के बारे में और फाइनेंस वगैरह डाउन पेमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके मन में 1% भी ख्याल है बोलेरो गाड़ी या बोलेरो पिकअप जैसी सीरीज़ में कोई भी गाड़ी लेने का, तो ये वीडियो आप देख लो, आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ताकि आप आसानी से अपना डिसीजन बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर प्लीज़ आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसी से जो है गाड़ियाँ इतनी सारी है वो चल पाती हैं। साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हो तो वो आप कर सकते हो। और शुरू करते हैं बुलेरो 1.5 सिटी का ये वीडियो। और दोस्तों बुलेरो के जब हम सामने से बात करते हैं ना, तो एक सही लुक आता है, मतलब ये जो गाड़ी है ना, कभी एक पिकअप सेगमेंट के हिसाब से इन्होंने मतलब ऐसा नहीं किया कि उसको लुक्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, लुक्स आपको अच्छे लगने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं इनका थ्रो ठीक ठाक है, मतलब आप वैसे हाईवे पर अगर रोज़ का रन करते हो तो फिर नीचे की तरफ फॉग लैम्प और ले लेना, बट अगर आप कभी कभार ही हाईवे पर जाते हो, आपको बहुत सिटी में आपका ज़्यादा यूज़ है, तो आप फिर इनसे काम चला सकते हो। अगर आप VXI वेरिएंट लेते हो तो आपको यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर्स के साथ में यहाँ पे एक आपको साइड लैंप आते हैं। अब ये साइड लैंप क्या करते हैं, साइड में पूरा रोशन कर देते हैं, एक 45 डिग्री के एंगल पे लाइट जलती है जिससे कि ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता और सेफ्टी का फीचर है, वो तो सेफ हो जाते हो आप उससे। उसके अलावा क्रोम वगैरह ग्रिल में इंसर्ट किया गया है, जो मतलब एक अच्छा एडिशन है मेरे हिसाब से और गाड़ी को प्रीमियम फील देता है। सामने की तरफ टोइंग हुक जिसकी आपको शायद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुलेरो इज़ अ रिलायबल ब्रांड इन इटसेल्फ। और यहाँ पे जो है आपको चीज़ें बढ़िया दिखने वाली हैं। आगे की तरफ आपको कमानियाँ दिखेंगी और कमानियों का जो डायमीटर है वो बहुत बढ़िया है, आगे की तरफ भी काफ़ी कमानियाँ दे रखी होती हैं इन्होंने, ताकि जो है गाड़ी अच्छे से बढ़िया से लोड ले पाए। शॉर्ट नोज़ हो गई है, मतलब जो आगे का बोनट है वो थोड़ा सा छोटा किया है, पहले से वो लंबा नाक वाला जो आता था बुलेरो वो, ताकि ये जो लगभग 15.5 फुट की जो गाड़ी है, 16.5 फुट की पूरी लंबाई है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाला की लेंथ दे सके। तो सामने से ये सारी चीज़ें, ये जो वाइपर है इन पर पानी आता है और पानी यहाँ से आता है सिंगल वाला। ऐसा अगर आपने बुलेरो पैसेंजर कार देखी होगी तो उसमें भी आपको ये दिखेगा। विंडशील्ड का एंगल वगैरह बढ़िया है, ऊपर की तरफ ये चैनल बना रखा है ताकि पानी वगैरह यहाँ से ड्रेन हो जाता है, तो पानी साइड से आता है, तो वो अच्छी चीज़ है। कि मतलब अभी देखो गाड़ी गीली है क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बार बार रुक रुक के बारिश हो रही है, तो वो चीज़ें हैं और उसमें भी बढ़िया काम करता है। अगर हम साइड से बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपको एक इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बुलेरो मैक्स पिकअप का यहाँ पे ब्रांडिंग है, विच इज़ लाइक अभी जो क्रोम में हो गया ना, 3D में हो गया है, तो अच्छा लगता है। पहले एक देखा होगा आपने, स्टिकर आता था और कहीं ना कहीं अब जो फेंडर है आगे वाला वो बाहर जैसे निकला था वो निकला हुआ है, मेटल का है, मतलब ऐसे फाइबर वाइबर का पार्ट नहीं है, अच्छा मतलब अच्छा मजबूत है, वो ठोस है, कहीं आवाज़ नहीं आती। और अगर बम्पर और ये फेंडर वगैरह गैप की बात करो, गैप है, ऐसा नहीं कि उसको चिपका दिया है, बट अब कम गैप हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें टायर साइज़ आते हैं वो 15 इंच के टायर्स आते हैं। जनरली आपने अगर देखा होगा तो ये 215 R15 के टायर्स हैं, मतलब 215 सेक्शन के टायर आते हैं। मैनुअल स्टेयरिंग वाला जो 1.3 वेरिएंट आता है उसमें 195 सेक्शन के टायर आते हैं, थोड़े से पतले टायर आते हैं जो मैनुअल स्टेयरिंग के साथ में वेरिएंट आता है। उसमें आपको D+2 की पासिंग मिलती है, D+3 की नहीं मिलती। बाकी सारे जो मैक्स केबिन है हमारे वो D+3 में पासिंग आते हैं, मतलब समझ जाओ वैसे कि जो पावर स्टेयरिंग वाले जितने वेरिएंट्स हैं वो हमारे क्या क्या आते हैं, वो आते हैं हमारे मैक्स केबिन में। पावर स्टेयरिंग वाले जो केबिन है वो D+3 में पास आते हैं। ये सारी चीज़ें आगे की तरफ आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा, पट्टे वगैरह जो है उसके वो मजबूत दिए गए हैं और यहाँ थोड़ा सा ग्राफिक मिलता है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं इनकी वो एसी वाली जो एक बुलेरो आती थी जिसमें कूल ड्राइव नाम से देते थे वैसा लगता है। और ये बाहर की तरफ इंजेस दे रखे हैं, महिंद्रा थार में भी देते हैं ना, तो वो एकदम वैसा वाला फीलिंग आता है उसमें। सिटी 1.5 का ब्रांडिंग है, जो भी मॉडल लेते हो, 1.2 लेते हो या 1.4 लेते हो, 1.3 लेते हो, 1.7 लेते हो, वो यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आप ये पहले की तरफ क्या था ना, यहाँ से हवा अंदर जाती थी केबिन वेंटिलेशन के लिए, पर अब पीछे से पूरा शीशा खुलता है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सिर्फ शोपीस सर डमी है बट देखने में अच्छा लगता है। और जनरली जो लोग हैं वो बुलेरो में जब पीछे बॉडी बनवाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब अगर बात करें इस डाला की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदने वालों को लेके, तो ये जो है वो 8.7 फीट की लंबाई के साथ में आता है। 8.2 फीट की लंबाई वाला डाला भी आप इसमें ले सकते हो, 5.5 फुट की इसकी चौड़ाई है और लगभग 1.5 फीट के आसपास या 1 फीट के आसपास इसकी ऊँचाई
चाहिए। हालांकि आप इस को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराओगे जब गाड़ी ले लोगे, वो आपको बॉडी बिल्डर के साथ में टाइप करके जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं और उसके हिसाब चीज़ें होती है। अच्छा, क्योंकि जो इसकी हाइट जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है, यहाँ पे एक आपको फुटबोर्ड मिलेगा, मतलब इस पर आप पैर रख के जो है गाड़ी को पे ऊपर चढ़ सकते हो, तो वो बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा बात करें चैसी वगैरह, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हल्की सी स्टेप अप चैसी, मतलब यहाँ से जो डाउन है वो है, मतलब ये लैडर फ्रेम पे है ऑब्वियसली, और बीच में आपको क्रॉस मेंबर्स वगैरह देखेंगे तो वो एक टॉर्शनल रिजिडिटी होती है ना कि गाड़ी मतलब स्टेबल रहेगी, मतलब लोड पे अगर ज़्यादा जोर वोर भी पड़ रहा है दोनों पे तो वो सही रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा तो कुछ भी ऐसा अनशर्ट या उजलू नहीं लगाया। सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें आपको पसंद आएगी कि इसमें कहीं भी एड ब्लू या यूरिया नहीं डालना है। लीन एनओएक्स टेक्नोलॉजी BS6 फेज 2 में भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया R&D टेक्नोलॉजी उसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर यूरिया डाल देते तो वो एक अपने आप में झंझट हो जाता, बट उसमें इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। पीछे की तरफ भी 15 इंच के टायर्स मिलते हैं, 5 बोल्ट के साथ में ये बोल्टेड होते हैं। यहाँ पे कमानियाँ जो है आप देखो, यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक जहाँ आप दिख रहा है उतनी लंबे में फैला रखा है, तो लोड चैसी पे बराबर आता है, आगे से भी वो लंबा है तो यहाँ आप लोड आएगा चैसी पे, फिर वहाँ लोड आएगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और ये थोड़ा सा एरिया अप होता है, वो थोड़ा सा डाउन होता है, तो बुलेरो ऐसी नहीं, ऐसी थोड़ी सी होती है। पीछे की तरफ आपको 7 कमानियाँ मिलती हैं 1.5 वाला जो वेरियंट है उसके अंदर, जो 2 टन वाला है उसमें तो आपको 10 कमानियाँ तक देते हैं, बट 7 कमानियों में आपको कभी पट्टा बढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रेटेड लोड में चला रहे हो। लोग कहते थे झोला मारती है, तो अंदर की तरफ एंटी रोल बार देखने को मिलता है, प्रोपेलर शाफ्ट इसकी मल्टी स्टेज प्रोपेलर शाफ्ट आती है, मतलब बीच में उसमें कट है, बीच में उसमें बैरिंग है, उस बैरिंग से उसमें पावर ट्रांसमिट होता है जो कि अच्छा है। 70 HP का इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है, और जो 70 HP का इंजन है दोस्तों वो एक बहुत ही बढ़िया 3200 RPM के आसपास वो 70 HP निकल के आते हैं। वो सेम इंजन है 2.5 लीटर का M2DI इंजन जो महिंद्रा शुरू से यूज़ कर रहा है, टर्बो चार्ज इंजन है, और टर्बो इंजन दोस्तों डीजल में मतलब वो एक तरीके से माइलेज निकालने में बेहतर होते हैं, जैसे बुलेरो के लिए ये लोग क्लेम करते हैं कि 17.2 का माइलेज देती है, तो 14-15 का माइलेज ये गाड़ी कहीं ना कहीं निकाल के देती है। अच्छा, महिंद्रा का यहाँ पे एम्बोजिंग है। अच्छा, ये VXI वेरिएंट है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 2 वेरिएंट आते हैं ना, LX आता है, VXI आता है, तो VXI में आपको ये LED लैंप्स मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, मतलब यहाँ से जो है आपको इसका ब्रेक लैंप चलता है, इसके अलावा ये बैक लैंप है, ये आपका इंडिकेटर है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सही जो है वो गाड़ी ओवरऑल होती है। अच्छा, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, कंप्लीट रिलाई नहीं कर सकते, सरकारी नियम है तो कंपनी देती है, बाकी थोड़े बहुत ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं। और लोडिंग हाइट अगर की बात करो तो लोडिंग हाइट बढ़िया है। साथ में जब हमने 2 टन वाली गाड़ी देखी थी तो उसमें जो स्टेपनी थी वो काफ़ी अंदर प्लेस हुई थी, बट इसमें स्टेपनी आपकी पीछे की तरफ प्लेस होती है, क्यों? क्योंकि गाड़ी की लंबाई थोड़ी सी कम है, मतलब वो आपका ऑब्वियसली 10 फीट का डाला आता है, ये वाला जो डाला है वो 8.7 फीट का आता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें। बाकी आपको स्टेपनी वगैरह यहाँ देखने को मिल जाएगी, एक्सल वगैरह बुलेरो को कभी दिक्कत नहीं। और आपको यहाँ पे दिखेगा ना कि कमानियाँ अंडर स्लंग नहीं है, ओवर स्लंग है, मतलब नीचे कमानियाँ नहीं है, ऊपर कमानियाँ है, और मतलब 7 कमानियाँ जो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है 1.5 वाले वेरिएंट में, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको बुलेरो देखने में एक्चुअली सही लगता हूँ, सुलझी हुई लगती है, हाइट हो, लोड हाइट हो, या लोड डाले की कैपेसिटी हो, तो ये मैंने बताया 1500 किलो का पेलोड गाड़ी लेके जाती है, लगभग 3300 किलो का गाड़ी का ओवरऑल GVW रहता है, मतलब 3300 किलो के आसपास की गाड़ी है। अब इसमें डीजल टैंक जो है वो 45 लीटर का आता है, जो हमारी नॉर्मल वाली बुलेरो आती है, मतलब 2 टन वाली HD आती है, उसमें आपको 60 लीटर का डीजल टैंक मिला है, पर इसमें आपको 45 लीटर का ही मिलता है, क्योंकि माइलेज ज़्यादा मिलता है, तो बात बराबर बनती है। इसको चाबी से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो, जो एक अच्छी चीज़ है, ताकि आपका जो चीज़ें वो नहीं होती हैं। यहाँ से आप देखोगे तो चाबी से लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। और गाड़ी में फिर से बता दूँ एक बार, यूरिया का कोई सीन नहीं है, बुलेरो में अब तक यूरिया नहीं आया, लगभग सारी गाड़ियाँ भारत में यूरिया यूज़ कर रही है। IMX टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये फंक्शनल नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसा शोबाजी के लिए दे रखा है। और ये सारी चीज़ें, ये शीशे आप अगर 2 टन वाली लेते हो तो चौड़े आते हैं, मतलब क्योंकि गाड़ी लंबी है तो ब्लाइंड स्पॉट बनाने में, यहाँ पे थोड़े से शीशे मुझे लगता है कि और इसको या तो साइड कर दो या कुछ कर दो, मतलब ऐसे मतलब पता नहीं कुछ तो मतलब इसमें सीन है, मतलब बट ये दिखा देगा आपको पीछे का कुछ कुछ दिखाता है, बट इसमें इतना ही एरिया काम करता है, ये सारा ब्लाइंड स्पॉट जैसे बनता है, मतलब इसमें भी सेक्शंस बना सकते हो आप। बुलेरो IMX यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलेरो मैक्स पिकअप है, तो वो एक ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। बाकी गाड़ी देखने में सुंदर और सुलझी हुई लगती है, और गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं थी। एक स्पेशल हाईलाइट अगर मेरे कैमरा मैन यहाँ के दिखाना चाहेंगे तो बता देता हूँ कि जो पहले शीशा आता था वो पहले रबड़ से आता था, यहाँ पे रबड़ होती थी, एक रबड़ से शीशा जो है इन्होंने फिक्स करा होता था। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे रबड़ कहीं भी नहीं दिखेगी आपको, ये लैमिनेटेड विंडशील्ड है, इसको डायरेक्ट फिक्स किया जाता है, तो ये वो वाली चीज़ है, तो ये रबड़ नहीं लगा रखी है यहाँ पे। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो छोटी इंप्रूवमेंट है, हालांकि इस पर UV टिंट लगा रखा है ताकि अंदर केबिन कम गर्म हो, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें। अब चलो केबिन के अंदर चलते हैं, कि मेन मसाला तो जो है वो मैक्स केबिन के अंदर ही डाला है, मैक्स पिकअप्स के अंदर। तो चलो, सबसे पहली बात तो इसमें आपको चढ़ना आसान होता है, क्योंकि 15 इंच के टायर है, तो गाड़ी जो है वो काफ़ी बढ़िया हाइट पे है, तो काफ़ी आसानी से आप इस गाड़ी में चढ़ सकते हो। इसके बाद में दूसरी चीज़, क्योंकि ये VXI वेरिएंट है, तो VXI वेरिएंट के अंदर आप देखोगे तो आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है, मतलब इससे जो है आप सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला जो है ना सीट, देखो सीट ऊपर जा रही है, तो सीट की ऐसे हाइट बढ़ा सकते हैं आप, इससे डाउन कर सकते हैं, तो अगर
या पैसे दे रहे हो थोड़ा सा वो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वी एक्स आई वेरियंट के लिए एलेक्स के ऊपर, उसमें ये चीज़ आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ये की होल जो है वो इल्यूमिनेटेड है, रात को अगर आप चाबी लगाओगे तो आप आसानी से लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। और गेट की जो ओपनिंग वगैरह है वो भी बढ़िया आपको मिलेगी, सीट कंफर्ट फैब्रिक सीट्स वगैरह अच्छी आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर ब्रेक वगैरह की जो पोजीशनिंग है वो शुरू से काफ़ी आरएनडी के साथ में, कभी किसी को लंबा चलाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। दो स्टेज का हेडलाइट लेबलिंग वगैरह मिल जाता है, ये आपको हेडलैम्प्स वगैरह के लिए चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा बात करोगे यहाँ पर आपको वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और ये आपको पूरी की पूरी MID मिलती है। तो मैं आपको पहले MID समझा देता हूँ, फिर मैं आपको केबिन के बारे में और चीज़ें बताऊँगा। अगर हम MID की बात करें तो यहाँ पे आपको RPM मीटर दिख जाएगा, ये सारे डिजिटल मीटर्स हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। फिर आपका यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना जो है वो गाड़ी का कूलेंट का टेम्परेचर वगैरह है, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको ऊपर तक बाहर से जाते हैं, अगर पूरा भर लोगे तो वहाँ तक जाएगा। इसके अलावा बीच में ये ओडोमीटर आता है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 852 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली हुई है, ये आपको किलोमीटर रीडिंग दिखेगी। आप गियर पोजीशनिंग दिखता है, इसमें गियर शिफ्ट एडवाइजर आता है, अगर ये आपको जैसे दूसरे में चला रहे हो आप, गाड़ी को लग रहा है गाड़ी को तीसरे में जाना चाहिए, तो वो अपने आप दिखा देगा ऐसे आपका एरो को थर्ड में डाल लो आप, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टाइम क्या है। तो ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये वाला ये पर्टिकुलर लॉब दिख रहा है, इससे आप इसको ट्रिप ए ट्रिप बी पे जा सकते हो, सेट रीसेट कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें की जा सकती हैं, क्योंकि इस गाड़ी में रीजनरेशन का सिस्टम नहीं है, तो रीजनरेशन की आपको कोई ज़्यादा नीड नहीं लगेगी। अब अगर देखा जाए तो इन वाइपर्स वगैरह के अलावा, स्टेयरिंग वगैरह के अलावा, ये सारी चीज़ें बढ़िया है। ये गियर नॉब जो है वो अगर आप कभी रिवर्स वगैरह लगाते हो तो आपके पैर में थोड़ा फंस जाता है, पैर वैसा ऐसा रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिफ्थ गियर तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ट्रैवल ये जो है ना ट्रैवल ज़्यादा करता है, थोड़ा ऐसे ऐसे कभी कभी वॉबल भी करता है अगर इसके RPM स्टेबल नहीं होते। डीजल गाड़ी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज़। बाकी ये 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट मिलता है, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ मिलता है, मतलब थोड़ा सा ही मिलता है, और एक आप मोबाइल वगैरह चाहो तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करो तो यहाँ पे आप जो है चीज़ें को प्लेस कर सकते हो थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे अगर स्क्रीन लगवा लोगे आप तो ये स्पेस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जगह है पीछे की तरफ प्रॉपर स्क्रीन लगवाने की। फैब्रिक सीट्स वगैरह है तो वो भी चीज़ें ठीक है। पीछे की तरफ आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, तो इसको जो है आप स्लाइड करके वेंटिलेशन वगैरह ले सकते हो। पीछे की तरफ एक केबिन लाइट भी आपको मिलेगी, ऊपर की तरफ सनवाइजर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और IRVM मिलता है, मतलब इनसाइड रियर व्यू मिरर। और इसके अलावा ये फैब्रिक सीट्स वगैरह के अलावा VXI वेरिएंट में आपको ये हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है, चीज़ें देनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है वो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें आप अपनी कुछ पर्चियाँ हिसाब किताब की चीज़ें वो सब रख सकते हो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और सामान रखने की जगह जो है वो मिलती है। तो ये कुछ इसका डैशबोर्ड है, केबिन में ये सारी चीज़ें हैं। AC नहीं भाई, बुलेरो की पूरी रेंज में अभी तक AC नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। और चाबी इसकी कुछ कुछ ऐसी मिलती है, एक टिपिकल महिंद्रा वाली। तो ये सारी बातें हैं इसके केबिन के बारे में, और केबिन में खास कुछ नहीं है, बट एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे पीछे की तरफ बॉटल होल्डर मिलता है, तो आप पानी रख सकते हो, क्योंकि गाड़ी में कहीं और बॉटल होल्डर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बाद में महिंद्रा ने लगाया, ये अच्छा है, मतलब यहाँ पे कम से कम पानी रखा रहेगा आपका, और हैंड ब्रेक जो है वो प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी हमारे सिटी के 1.5 के बारे में। सच कहूँ तो चाहे 1200 किलो, 1300 किलो, 1400 किलो, 1500 किलो, 1700 किलो, जिस भी पेलोड में ले लो, ये गाड़ी आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगी HD रेंज के कंपैरिजन में। अगर आपका जो इस एप्लीकेशन है वो एक सिटी यूज़ का है, थोड़े से लाइट एप्लीकेशन के लिए चलाते हो, अगर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो फिर आप HD रेंज लेना, बाकी सिटी रेंज बढ़िया है। माइलेज 17.2 का 70 HP वाले इंजन से ये क्लेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं 14-15 के आसपास गाड़ी देती है, और बढ़िया एक रिस्पेक्टेबल माइलेज है, चलाने करने में गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर जो आपका खुश रहेगा, जो भी बंदा इस गाड़ी को चलाएगा ओन करेगा वो खुश रहने वाला है। ओवरऑल जीरो मेंटेनेंस टाइप से जो गाड़ी है वो है। अब तो इंजन में फ्रिक्शन लॉसेस के कारण, वजन कम होने के कारण और भी बढ़िया वो एक तरीके से फील आता है। तो ये कुछ बातें हैं। गाड़ी की कीमत की बात करें तो 9 लाख रुपये में आप 35,000 रुपये माइनस या 35,000 रुपये प्लस करोगे, डिपेंड किया कौन सा वेरियंट ले रहे हो। साथ में IMX टेक्नोलॉजी भी आती है, तो IMX टेक्नोलॉजी के लिए आपको लगभग 25,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और भी उसके एडिड बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि आपके LED टेल लैंप्स वगैरह होगा, और भी मैंने इसे वीडियो में बता दिया। बाकी हमारे और भी बहुत सारे बुलेरो के वीडियो वहाँ देख लेना आप। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।